वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामनिकांत बीएड कॉलेज। जैसे कि भारतीय नृत्य शैली के बारे में मैं चर्चा कर रही थी, आज असम की भारतीय नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की इतिहास उद्भव कैसे हुई है उसके बारे में चर्चा करते हुए, शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि असम की शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य 15वीं शताब्दी में असम में संत श्रीमंता शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक हिस्से के रूप में शत्र मठ में उत्पन्न हुआ। उन्होंने एक शरण नामा धर्म का प्रचार किया, इसका मतलब है श्रद्धा पूर्वक एक भगवान का नाम जपते हुए। क्षत्रिय नृत्य शास्त्रीय नृत्य में कब आया? शास्त्रीय नृत्य को वर्ष 2000 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, कथकली केरल में प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनी अट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर और ओडिसी ओडिशा में, और इसके बाद असम की शास्त्रीय नृत्य हुआ शास्त्रीय नृत्य। ये है शास्त्रीय नृत्य की कॉस्ट्यूम और इस तरह से होता है। अब आते हैं इसकी विशेषताएं के बारे में चर्चा करने। क्षत्रिय नृत्य मूल रूप से नृत्य के अन्य रूपों से भिन्न होता है। पुरुषों के लिए यह पुरुष पाक के रूप में जबकि महिलाओं के लिए प्रातित पाक के रूप में जाना जाता है। क्षत्रिय नृत्य पौराणिक विषयों पर आधारित होता है, उनके पास विशेष मेमोनिक बोल है, ठेठ असमिया संगीत जिसे विजेट के रूप में जाना जाता है। संगीत वाद्य यंत्र जैसे बड़े झांझ ड्रम रंगीन वेशभूषा, इसके अलावा जटिल कोरियोग्राफिक पैटर्न के साथ साथ गायक द्वारा गाए गए प्रत्येक श्लोक के लिए विभिन्न ताल का उपयोग करते हैं। सत्र नृत्य में अंकिया नाट और ओजापली नृत्य भी शामिल है जिसमें मुख्य गायक गाते हैं और अभिनय करते हैं, कहानियां सुनाते हैं और नर्तकों का एक समूह छोटे छोटे झांझ बजाते हुए नर्तकियों के रूप में नृत्य करता है। यानी इसकी विशेषताओं के बारे में हम ये जानते हैं कि ये असम प्रदेश की नृत्य शैली है शास्त्रीय नृत्य, जो कि महिला और पुरुष के द्वारा जाना जाता है। इसमें झांझ वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है और नृत्य में अंकिया नाट और ओजापली नृत्य जो कि एक नृत्य का रूप है उसको यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। दो अलग अलग धाराएं क्या है? यह गायन भयनाड नृत्य से शुरू होकर खरमार नृत्य तक होता है। नृत्य संख्याएं जो स्वतंत्र है जैसे कि चाली राजघड़िया चली झुमरा नारू भंगी आदि। अब आते हैं इसकी वेशभूषा यानी कस्ट्यूम के बारे में। क्षत्रिय नृत्य की वेशभूषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पुरुष वेशभूषा जिसमें धोती और चादर और पगड़ी होती है और महिला पोशाक में घूरी चादर और कांची कमर का कपड़ा शामिल होता है। परंपरागत रूप से वेशभूषा सफ़ेद या कच्चे रेशम की रंग की होती थी जिसमें विभिन्न विशिष्ट नृत्य संख्याओं के लिए लाल नीले और पीले रंग का प्रयोग होता था। पहले के समय में मखमल और शॉर्टन सामग्री ज़्यादातर वेशभूषा के लिए उपयोग की जाती थी। समय बदलने के साथ साथ जैसे यह नित्य रूप से मंच पर सत्रों के विकसित होता गया, नित्य वेशभूषा की डिज़ाइन और सामग्री बदलती गई। स्पेट पॉट असम में उत्पादित रेशम जो सतूत के पौधे से उत्पन्न होता है और मुगा सिल्क असम का सुनहरा रेशम का उपयोग नित्य पोशाक तैयार करने में भी किया जाता है। अन्य शानदार रंगों का उपयोग महिला वेशभूषा में भी किया जाता है। इन हाथों से बुनी गई सामग्रियों में सामान्य रूप से स्थानीय रूपांतरण जैसे कि राजखाव मिरी मोटिफ कोलका आदि होती है। इसके बाद इसके अलंकार में आते हैं। पारंपरिक असमिया आभूषण का उपयोग सत्र नृत्य में किया जाता है। कच्चे सोने में एक अनोखी तकनीक में गहने बनाए जाते हैं। कलाकारों ने माथे पर कोपली मुथी खारू और गाम खारू जिसको कंगन कहते हैं, विभिन्न प्रकार के गर्दन के टुकड़े जैसे माता मोनी, पुरुष नृत्यों के लिए गोलपाटा धूलबड़ी ढोल के आकार का वेना इस तरह के पहना जाता है, जेटी पाटा डुगडुगी सेनापाटा धनसिरा लोकापाड़ो झुमके समान डिजाइन में बनाए जाते हैं और धोखा सोना और केरू को नर्तकियों द्वारा पहना जाता है। महिला डांसर बालों में सफ़ेद फूल लगाती है। यानी
अशिमिया डांसर्स ज़्यादातर इस तरह के गहने पहनते हैं जो बहुत ही कॉस्टली रहता है, और इसको पुरुष और महिला दोनों पहन के नृत्य प्रस्तुत करते हैं। अब आते हैं शस्त्र नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है। बापूराम बरवयान, अतई मणिराम डटा, मुख्तियार बरवयान, गहन चंद्र गोस्वामी, गीतेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चंदिया, ललित चंद्रनाथ ओझा, गोपीराम बरगयन, राजेश्वर सेठिया। इसके अलावे लोकप्रिय कलाकार कौन है। गुरु जतिन गोस्वामी और शारदीय सैकिया ये सत्र नृत्य को मंच तक लाए हैं। इस तरह से हम शस्त्र नृत्य के जो असम में प्रचलित है उसके बारे में आप चर्चा किए हैं, और इस तरह मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी क्लासिकल जो डांस है, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया नृत्य, कथक आदि के बारे में चर्चा किया। थैंक यू सो मच।